दोस्तों फाइनेंस को मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अभी स्क्रीन के सामने जो आप देख पा रहे हैं, मैं इनके ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और मैं आज जो बात कर रहा हूं ये है फिनसार एप्लीकेशन, जिसमें कि मैंने दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर कई बार वीडियो बनाया है इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। और जैसे कि आपको लास्ट टाइम की अपडेट मैंने यही दिया था कि कुछ दिन के बाद एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी। अभी जिन्हें नहीं पता है कि एप्लीकेशन ये कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है और एप्लीकेशन कब तक ये काम करेगी, क्या ये नए प्रोफाइल के साथ ही लोन प्रोवाइड कराएगी या फिर नहीं, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर दोस्तों क्वायरी ये भी आती है, क्या हम इस एप्लीकेशन से नए प्रोफाइल के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या पुराने प्रोफाइल के साथ ही सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हम लोन नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जानने की ज़रूरत ये है कि एप्लीकेशन ये क्या है और कैसे काम कर रही थी और अब क्यों नहीं काम कर रही है और क्या ये नए प्रोफाइल के साथ लोन प्रोवाइड कराने वाली है या फिर नहीं। तो सारा डाउट क्लियर करने वाले इस वीडियो में, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 5000 का लोन लेना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात को आप समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करिए है फिनसारा, और एप्लीकेशन का सबसे यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है ही नहीं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर एप्लीकेशन अवेलेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज लगभग महीने डेढ़ महीने समय होने चला। और ऊपर में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ finsara.app। अब इनके ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर हम आ चुके हैं ताकि मैं आपको बेहतर डिटेल में बता सकूँ एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, क्या ये नए प्रोफाइल के साथ आपको लोन प्रोवाइड कराएगी या फिर नहीं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5000 रुपये तक आप डेली एक्सपेंस के रूप में इस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आपको एक महीने का समय यहाँ पर मिल जाता है, अगर आप 6 तारीख को हर एक महीने के 6 तारीख को अगर आप इस लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो अगले 7 तारीख को आपको यहाँ पर बिल पेमेंट जनरेट हो जाती है, जो कि आपको पेमेंट करना पड़ता है अगले 13-14 तारीख तक। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या था कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो मिलता था यहाँ पर 5000 रुपये मिलते थे, और इस लिमिट को लेने के लिए सबको लिमिट लिया, लोन की रिपेमेंट भी किया, किसी किसी का लोन की रिपेमेंट करने के बाद लिमिट भी इंप्रूवमेंट हुई। बाद में दोस्तों हुआ क्या कि एप्लीकेशन के अंदर में काफ़ी सारे बदलाव होने लगे, धीरे धीरे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया। तब तक कहीं ना कहीं एक दो प्रोफाइल के अंदर में लोन डिसबर्स भी हो रहे थे, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि सभी के प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया, लोन डिसबर्स ही नहीं हो पाया। कई बार इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था आप लोगों को कि भैया एप्लीकेशन की अपडेट सभी यही आई है और आपको थोड़ा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर लोगों के मन में दोस्तों सबसे पहले समस्या ये आ रही है कि हम इस लिमिट को दोबारा भविष्य में निकाल पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों जरूर निकाल पाएंगे, हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर बहुत बड़े अपडेट के साथ एप्लीकेशन आ रही है। लास्ट टाइम के अपडेट में मैंने आपको बताया था, उन्होंने बताया था कि कुछ ही दिनों के भीतर आपका एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर लिस्टेड हो जाएगा और आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर दोस्तों डिक्लाइन हो रहा था, जो भी आपकी लिमिट होती थी वो विथड्रॉल नहीं कर पा रहे थे जब से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को हटाया गया, और अभी भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर 5000 की जो लिमिट मिलती है लगभग 1 महीने के लिए मिलती है, और शुरुआती दौर में आपको यहाँ पर देखा जाए अगर आप जब भी लिमिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका उसको छोटा सा सर्विस चार्ज बोले या फिर इंटरेस्ट चार्ज आपको यहाँ पर 1 या 2% आपको देने पड़ते हैं जब भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको है क्या कि यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का लिमिट आपको मिलता है, और ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिंकी पी फाइनेंस RBI रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर लोगों के मन में ये भी सवाल चलता है कि भैया जब एप्लीकेशन हट ही गई है और मैंने लोन ले ही लिया है तो मुझे लोन की रिपेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन फर्जी इसी कारण से हटा है गूगल प्ले स्टोर के अंदर से। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत करना, क्योंकि देखो महीने महीने सिविल रिपोर्ट होती है, चार ब्यूरो कंपनी होती है जो दोस्तों आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दोस्तों दिखाई जाती है, और आपका वहाँ भी दिखेगा रिंकी फाइनेंस या फिर जो भी फाइनेंस कंपनी होगा उसकी चीज़ें डिटेल आपको दिखाई देगी भैया, क्योंकि ये RBI रजिस्टर्ड है। अगर आप ओवरड्यू करते हैं तो वो भी चीज़ें आपके सिविल में दिखाई देगा। तो गलती ये ना करें कि भैया ये फेक एप्लीकेशन है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। हाँ, हालांकि एप्लीकेशन भले ही ये गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है किसी कारण से या फिर अपडेशन को लेकर, तो काफ़ी सारे इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों बदलाव होने वाली है और हो सकता है बड़े अपडेट के साथ आएगी। जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है इसके ऊपर वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, दूसरी बात पर हम यहाँ पर आते हैं, क्या नए प्रोफाइल के साथ हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन को यहाँ पर ऑफिशियल साइट से हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और लोन अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है
तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका अगर प्रोफाइल यहाँ पर बन भी जाता है, डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन को यहाँ पर, यानी फिनसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं इनकी ऑफिशियल साइट से या फिर दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। हो सकता है प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन काम ना करे, अगर वो ओपन एप्लीकेशन हो भी जाती है, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, तो आप लोन की डिसबर्स नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अभी फिलहाल होल्ड है, ट्रांजेक्शन होल्ड है। चाहे वो न्यू प्रोफाइल हो चाहे ओल्ड प्रोफाइल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्लीकेशन जब काम ही नहीं करेगी तो आप लोन कैसे ले पाएंगे। और जिन किसी को लोन की लिमिट मिली है वो विदड्रॉल नहीं कर पा रहे, तो काफ़ी सारे टेंशन उनको हो रहा है, भैया हमारी लिमिट है, हम लिमिट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कब तक ये एप्लीकेशन काम करेगी। तो भैया अभी तक कोई वैसा सबूत नहीं है, और जिस तरह से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप विदड्रॉल करते तो चीज़ें आपको सामने एक फ्लैश होता होगा, बॉक्स दिखाई देता होगा वहाँ पे कि ट्रांजेक्शन शुड बी या फिर विल बी नॉट, ट्रांजेक्शन विल बी, जो भी चीज़ें है वो आपको आगे प्रोसेस नहीं करने दिया जाता है। तो बताया जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद एप्लीकेशन द्वारा जो भी है होल्ड किया गया लिमिट को ट्रांजेक्शन करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो थोड़ा पैसेंस रखिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमें ऑफिशियल ईमेल की तरफ जा सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो आप वैसे आप जांच पड़ताल कर सकते हैं जो भी आपको ऑफिशियली जानकारी लेना है, लेकिन ऐसा कहीं भी आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा कि एप्लीकेशन ये कब तक ये ठीक होगी। हालांकि भले ये चार स्टेप में एप्लीकेशन की लिमिट आपकी कंप्लीट हो जाती है आधार ओटीपी के बेस पे, और साथ साथ पैन कार्ड की डिटेल आपको दोस्तों देनी पड़ती है, और आप यहाँ पर 5000 रुपये तक का इंस्टेंट लिमिट ले सकते हैं। ये हालांकि ये 100% सेफ और सिक्योर एप्लीकेशन है, फुली RBI के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है, RBI के गाइडलाइंस को फॉलो करती है प्रॉपर तरीके से। जो भी आपकी यहाँ पर लिमिट मिलती है एक RBI अप्रूव होते हैं, एक डिजिटल लेंडर के जरिए से ही आपको लोन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो भैया जो भी अपडेट आएगी भविष्य में आपको इसके ऊपर दोस्तों वीडियो बना दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपके सारे जानकारी आपको दे दिया गया था सारे सवालों का, नहीं ओल्ड प्रोफाइल के ऊपर ये लोन आपको डिसबर्स होंगे फिलहाल, और ना ही न्यू एप्लीकेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होने वाला है, और जैसे मुझे कोई भी अपडेट मिलती है इसके ऊपर दोस्तों जरूर बता देंगे। अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसके ऊपर मैंने दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए आपको फिनसर एप्लीकेशन से 5000 रुपये की लिमिट्स मिलती थी, अभी फिलहाल एप्लीकेशन ये काम नहीं कर रही है और ना ही गूगल प्ले स्टोर के अंदर है। तो मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दूं कि फिलहाल अभी एप्लीकेशन नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई अपडेट हमें नहीं मिला है। जैसे ही जाँच पड़ताल करते हैं अपडेट हमें मिलती है, इसके ऊपर हम एक अपडेट को लेकर वीडियो बना देंगे, बता देंगे कि एप्लीकेशन काम करना शुरू कर दी या फिर फाइनली एप्लीकेशन आ रही है या फिर नहीं आ रही। जब गूगल प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर बाद में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि एप्लीकेशन को शुरुआती दौर में जो स्टेटस दिया गया था, एप्लीकेशन को बिल्ड करने की वजह से दिया गया था, काफ़ी सारे फीचर ऐड करने थे इस एप्लीकेशन के अंदर में, उसके बाद काफ़ी सारे चीज़ें बताया गया, अपडेट होते गई, बताया जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद अब एप्लीकेशन लॉन्च होगी, लेकिन फिर भी देखा जाए 1.5 से 2 मंथ होने चले अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, और जो भी लिमिट यहाँ पर मिली है वो सारा चीज़ होल्ड है। तो भैया ये फिनसर एप्लीकेशन का लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहे हैं, उम्मीद करती है जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अलावा भी दोस्तों मैंने 15 से 20+ ऐसे एप्लीकेशन से खुद मैंने लोन लेकर दिखाया है, वो भी RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से, वो भी आपको अच्छा खासा समय मिलता है लोन भुगतान करने के लिए, EMI में आप लोन की चुकता भी कर सकते हैं। तो मैंने खुद एप्लीकेशन से लोन लेकर दिखाया, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दिया गया है। इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।